अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इनफो लवर्स यूट्यूब चैनल को और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, अल्लाह ताला आप सब पर रहमत फरमाएँ। दोस्तों आज एक ये वीडियो लेके आया हूँ, लैपटॉप का रिव्यू करना है और साथ में ये लैपटॉप बराए फरोख्त है। अगर कोई दोस्त इसको देख के पसंद करे तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दे दूंगा, रब्ता नंबर भी दे दूंगा और आप कमेंट करके भी रब्ता नंबर ले सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो ये सेल करना है तो इसलिए आप देख सकते हैं। तो चलें मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो माई कंप्यूटर खोलते हैं और ये सी ड्राइव आप देख सकते हैं 48 GB की है, ठीक है। और डी ड्राइव आप देख सकते हैं कि 100 GB की है। ऑल ओवर ये 150 GB इसकी टोटल हार्ड ड्राइव बन जाती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी। तो 150 GB एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज है, बहुत ज़्यादा है GB है। चलिए अब नेटवर्क देखते हैं, इसका नेटवर्क आप देख सकते हैं। नेटवर्क में नहीं, आपको मैं लेके चलता हूँ कंट्रोल पैनल में, तो वहाँ से आप इसकी और स्पेसिफिकेशन जो हैं वो देख सकते हैं आप। और उसके बाद आपको इसकी जो स्पेसिफिकेशन देखने के बाद मालूम पड़ जाएगा किस तरह की। ये देखें, हमने खोल लिया, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड। चले हम आपको ले कर चलते हैं जनाब बैग जाएंगे, बैग जाके तो मैं आपको जी सिस्टम एंड सिक्योरिटी में ले कर चलूँगा। ये आप एक दफ़ा देख ले, सारे ऑप्शन ये नज़र आ रही हैं नॉर्मल जो होते हैं। इसको ओपन करते हैं हम अभी सिस्टम एंड सिक्योरिटी को जी। सेकंड में होगी जो विंडो और थर्ड में ये सिस्टम है, ये आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि विंडो 7 अल्टीमेट का वर्जन जो है इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब आप इसमें XP भी चल जाती है, जो रिकमेंड करती है कंपनी वो XP है। ये आप जिसे देख सकते हैं इंटेल का प्रोसेसर है इसके अंदर 1.67 का, ये आप देख सकते हैं कि अच्छा प्रोसेसर है। और नीचे रैम आप देख सकते हैं 1 GB इंस्टॉल्ड है और 64 जो है ना इसका बिट रेट है जिसके ऊपर ये सिस्टम चल रहा है। बाकी भी आप स्पेसिफिकेशन इसकी देख सकते हैं। रैम जो है वो इसकी जो है बढ़ाई जा सकती है 2 GB या 4 GB की जा सकती है, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर में लेके चलता हूँ आपको। एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके जो ड्राइवर्स हैं वो ऑल ओवर अपडेटेड हैं और विंडो जो है USB के साथ होती है। तो अगर ऑनलाइन भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ड्राइवर्स होते हैं, आपको ड्राइवर्स करने भी की भी कोई दिक्कत नहीं है। आप विंडो जस्ट इंस्टॉल करेंगे तो ड्राइवर्स इसके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, मिनी नोटबुक है, आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा वज़न नहीं है। अगर आप कहीं पर भी अपने साथ ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं बआसानी तरीके के साथ जी। आप एक दफ़ा मैं आपको इसके सिस्टम की स्पीड भी चेक करा सकता हूँ। ये देखिए मैं फोल्डर खोल रहा हूँ, ये देख सकते हैं आपकी कितनी स्पीड के साथ चल रहा है। यहाँ इसके साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग का भी थोड़ा लोड है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कि किसी तरह से भी कोई लेट नहीं कर रहा, हैंग नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं कर रहा, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। हालाँकि इसकी 1 GB रैम है, अगर रैम इसकी मज़ीद बढ़ा दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगा जी। तो आप देख सकते हैं, ये देखें वाईफाई कनेक्ट है, वाईफाई भी इस वक्त एक सिग्नल कम है इसका, और ये 3G चल रहा है जिस एरिया में इस वक्त अभी मैं हूँ वहाँ पे 3G की सर्विस है। और मैं अभी आपको ब्राउज़र भी खोल के दिखाऊंगा, इसका इंटरनेट की स्पीड भी चेक कराऊंगा, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं जी। तो ये गूगल ओपन किया है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप चलें आप, ये आप देख सकते हैं कि इसकी लैपटॉप्स की पिक्चर्स जो हैं ऑल ओवर आप देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको नज़र आ रही होंगी। या आप मज़ीद अगर किसी को भाई को चाहिए होंगी तो मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसके बारे में। एक अच्छी नोटबुक है, ज़बरदस्त है, साथ में इसके एक हैंड कैरी बैग जो है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा जो भी है। तो आप इसको देखें अगर किसी को पसंद आती है। चलो ये गूगल देखा आपने, मैं इसके अपना चैनल खोलूँगा अभी, ये देखें जी मैं चैनल खोल लिया अपना। तो आपसे गुजारिश करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, न्यूज़ और सॉफ्टवेयर के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, इंटरटेनमेंट की भी न्यूज़ होती हैं, तो काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर किसी तरह का भी, बिल्कुल 100% ये काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो
ये मैंने आपके सामने उसका रिव्यू पेश किया। मज़ीद अगर आपको इसकी किसी भी चीज़ की कोई कंफर्मेशन करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा कि व्हाट्सअप नंबर दे दूँ, या आप ऐसे करें कमेंट कर दें तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा। आप ये देख सकते हैं कि ऑल ओवर द लैपटॉप बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, कोई इशू नहीं है किसी तरह का भी। जी रिव्यू मैंने आपको सारा दे दिया है, जो और भी मज़ीद कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो भी भाई मेरा ये ले ख़रीदेगा तो याद करेगा कि कोई इसमें कोई इशू नहीं था, मुश्किल नहीं था, वो आदमी ने सही इसके बारे में बताया। वो मैं इतना ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके तावन का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।